मंत्री टीएस बावा ने बजा रतरिया में चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस बावा जिले के अंतिम छोर बजा रतरिया में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारों एवं सिद्धांतों के अनुरूप जनता के हित में काम करती है। आज इसी की परिणाम है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर विश्वास जताते हुए आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। वहीं खैरागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक दिव्यांगत बाबा देवव्रत को याद करते हुए उन्होंने उनके कामों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमेशा उनके चेहरे में मुस्कुराहट रही है। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कभी उनके चेहरे में उदासी हो, हमेशा ही देवव्रत सिंह जी के चेहरे में मुस्कुराहट देखने को मिलता था। आज उनके जाने से खैरागढ़ विधानसभा की सीट खाली हुई है। उनका जाना एक राजनीतिक क्षेत्र में एवं छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब उनकी बाकी का कार्यकाल जो बचा है उनके लिए अब हमारी पार्टी के उम्मीदवार को चुन के भेजे जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जनता को संबोधित करते हुए स्टार प्रचारक स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि भारत के छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा तहसीलें हैं, वहीं 85 नई तहसील कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी है ताकि आम जनता को सभी काम में सहूलियत होगी, जिसमें सिर्फ आम जनता को ही फायदा होगा, ना कि हमारी पार्टी को। हम अपने पार्टी के लिए नहीं, जनता के लिए, जनता के हित में काम करते हैं। मुझे पता चला है कि खैरागढ़ जिला बनना है। अगर आज आचार संहिता नहीं होता तो आज ही हम जिला की घोषणा कर देते। हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने जो कहा है वह खैरागढ़ के जनता के लिए सभी घोषणा पत्र में पूरी की जाएगी। पूर्व में रहे 15 साल भाजपा सरकार एवं रमन सिंह को घेरते हुए कहा कि आज भी लोग खूंटा बांध के जर्सी गाय की आस में बैठे हुए हैं। रमन सरकार ने मोबाइल तो बांट दिया लेकिन टावर लगाना भूल गए। रमन सरकार टिफिन चप्पल देने की काम किया है। पहले कांग्रेसी सरकार केंद्र में बैठी हुई थी तब महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, आज कहां गए? भाजपा के धरना प्रदर्शन करने वाले नेता गैस पेट्रोल एवं डीजल का भाव आज देख लो, भाजपा पार्टी को यह महंगाई नहीं दिख रही है। वहीं भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता अब जनता को जिला बनने का तो मनरेगा का काम बंद होने का दुष्प्रचार एवं बरगलाने का काम कर रही है, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में मनरेगा का काम एक नंबर में है। कांग्रेस पार्टी की सरकार नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर पंचायत में भी मनरेगा के तर्ज में काम चलने, जिसके लिए हम पहल कर रहे हैं। खैरागढ़ से सुरेश कुमार वर्मा, सिटी विजन टीवी।